गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, और इस समय देखा जा सकता है कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके से जो है तैयारियां यहां पे जो है वो चल रही हैं, कि यहां पे अभी जो है एक हेल्थ वर्कर आए हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन यहां पे दिया जाएगा, और किस तरीके से दिया जाएगा वो सारी जो प्रक्रिया जो है कि वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है हेल्थ वर्कर वहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी अपनी अपनी टर्न का जो है इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा जो है इस प्रक्रिया को जो है वो पूरा जो है प्रक्रिया को जो है यहाँ पे शुरू रखे हुए हैं। हालांकि देखिए उत्साह यहाँ पे किस तरीके का है कि यहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि इस पल को जो है वो अपने कैमरे में कैद करवा लें। वैक्सीनेशन हो रहा है और वो जो है अपने सहयोगी को कह के यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटो जो है वो जो है क्लिक करवा रहे हैं, यानी कि सभी जो है इस मामले को जो है इस घड़ी को जो है अपने कैमरे में जो है वो कैद करना चाह रहे हैं। तो उत्साह जो है आप देख सकते हैं कि अगर जम्मू में ऐसा उत्साह है तो बाकी देशवासियों में जो है वो कितना उत्साह जो है वो किस किस्म का होगा। आपने जो है फ़ोटो यहाँ पर खिंचवाई है, किस लिए यहाँ पर? We are happy that finally we have COVID vaccine और ये this is a blessing to mankind। जिस तरह की ये अभी तक ये वो अभी तक जिस तरह से मारामारी रही है कोविड के करके, तो we hope कि इस कोविड वैक्सीन से मतलब लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, और जितना जल्दी हो पाए हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ रिस्टोर करें। बिकॉज इस पूरी दुनिया ने मतलब दुनिया की कमर तोड़ के रख दी है इस कोविड बीमारी ने। तो कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको अभी? इस इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा, मैं खुद डॉक्टर हूँ तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा, बट ये है कि कुछ समय बाद कुछ घंटे बाद देखेंगे इसका क्या होता है। और इसमें जैसा कि बताया गया है कि सेकंड डोज जो है 2 वीक्स के बाद है, उसके बाद ही इसके जो बेनिफिट है एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं या कुछ भी है उसका पता चलेगा। इमीडिएटली कोई हाइपर सेंसिटिविटी कुछ होती है या एनकेफेलाइटिस वगैरह जो एक एक्सपेक्टेड जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ वेरी रेयर, अगर होगा तो दैट इज़ वेरी रेयर, आई विश किसी को ना हो, ठीक है ना। हम सब मतलब एक हाई अलर्ट पे हैं इस समय, देखना है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हम खुद अपने आप पे, मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद अपने आप पे एक ट्रायल लिया है, ठीक है ना, एक वॉलंट्री बेसिस पे मैंने इम्यूनाइजेशन कराई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और सबको हम एनकरेज करते हैं कि यहाँ पे आके वैक्सीनेशन कराएं, जहाँ अपनी अपनी जगह। ओके, थैंक यू।